मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए खास तैयारी की है। 100वें एपिसोड का लाइव प्रसारण देश भर में 4 लाख सेंटरों में होगा। भाजपा के सभी सांसद, विधायक, चुने गए जनप्रतिनिधि तथा पार्टी के सभी पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश भर के विभिन्न सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी एवं अन्य संस्थाएं भी मन की बात के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। यहाँ तक कि विश्व भर में प्रवासी भारतीय भी प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुनेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने 30 अप्रैल 2023 को प्रसारित होने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने और इसे व्यापक स्वरूप देने के लिए भाजपा की तैयारियों को लेकर एक विस्तृत कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि देश भर में बूथ स्तर पर लगभग 4 लाख सेंटरों में इसके प्रसारण की अभूतपूर्व व्यवस्था की जा रही है। हर विधानसभा में बड़े स्तर पर आयोजन, हर विधानसभा में लगभग 100 से अधिक स्थानों पर इसे बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्थानीय सांसद, विधायक एवं चुने गए जनप्रतिनिधि तथा पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं पार्टी कार्यकर्ता कार्यक्रम के संयोजन की व्यवस्था में शामिल होंगे। इसके साथ ही सिविल सोसाइटी, देश भर के विभिन्न सामाजिक संगठन एवं अन्य संस्थाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आगे आ रही हैं। यही नहीं, विश्व भर में प्रवासी भारतीय भी इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको बता दें कि मन की बात का प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। इसे 52 भारतीय भाषाओं, बोलियों और 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। 27 जनवरी 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। गौरतलब है कि पिछले दिनों IIM रोहतक के द्वारा मन की बात पर विस्तृत सर्वे किया गया, जिसमें यह निकल कर आया था कि मन की बात कार्यक्रम से देश के लगभग 96% लोग परिचित हैं। अभी तक इस कार्यक्रम को लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग सुन चुके हैं। लगभग 23 करोड़ लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को नियमित रूप से देखा या सुना है। इसी सर्वे के अनुसार मन की बात नागरिकों के व्यवहार, विचार एवं मनोस्थिति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। लगभग 60% लोगों ने राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करने में रुचि दिखाई है। लगभग 55% लोग राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक बनने की पुष्टि करते हैं। लगभग 73% लोग देश की प्रगति के बारे में आशावादी महसूस करते हैं।